दिनेश नैन जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी अब इस चर्चा में। सर, मेरा सवाल ये है आपसे, अभी संजय सोई सर गिना रहे थे कि ग्राफ कैसे गिरा है हमारी जवानों की शहादत का, 32, उसके पहले 42, 63, 80 इस प्रकार के थे, अब 32 पे अभी तक, अभी और अभी तक इस साल की बात करूं 10 ही हुआ है। लेकिन बात ये है, एक और आंकड़ा दूसरा, कितने टेररिस्ट मारे गए, तो 2018 से 2022 अगर आप देख लें, एवरेज में मान के चलूं तो वो लगभग 180-185 का एवरेज निकल रहा है। तो आतंकी तो उतने ही तादाद में है, वहां पर उनकी उनकी संख्या कहां, उसमें तो कोई कमी नहीं दिखती। या फिर दूसरा कारण यह है कि इनफिल्ट्रेट करके वो आसानी से आ जाते हैं, वहां हम नहीं रोक पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है कि आतंकियों की तादाद में कमी नहीं आ रही, उतने ही मर रहे हैं। 257 18 में, फिर 19 में 157, 221 20 में, 180 2021 में, 2022 में 187। तो ये तो ऑन एन एवरेज लगभग वही है, वही कहानी है। देखिए आशा जी, जहां अगर आप इस टेरेन को देखें ना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारा पाकिस्तान से लगता हुआ, या ये कह लीजिएगा पीओ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ जो बॉर्डर है, इस ये एरिया बहुत ही हिली है और इसके अंदर हर कदम पे आपको नालियां, छोटे छोटे नाले ये दिखाई देंगे। तो अगर हम ये कहें कि हम एक एक चप्पे के ऊपर खड़े होकर के पूरी रात या पूरा दिन उसको कोई कवर कर पाएगा, तो जितनी उसके लिए जितनी सेना चाहिए वो शायद हमें 3 गुना लगानी पड़े हर नाले को कवर करने के लिए। लिहाजा इन नालों के अंदर से जो लोकल लोग हैं वहां पे, बकरवाल जो कि बकरी चलाते हैं, उनके साथ में मिलकर के पाकिस्तान की सेना वहां पे जो बॉर्डर पे हमारे से क्रॉस बैठी है, उनको भी इस टेरेन का काफी नॉलेज होता है और काफी षड्यंत्र रच के गुपचुप तरीके से पूरे साल में 100-150 के करीब लोग धीरे धीरे करके, कब कुछ लोकल्स की मदद से ये आते थे। लेकिन जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेशन जैकबूट और जिसके इसके अलावा जो ऑपरेशन साउथ कश्मीर से लेकर के बॉर्डर तक हुए 2018 से लेकर अब तक, लिहाजा इनके कई कमांडर्स दुरान वाली से लेकर के नीचे तक कितने की सफाया किया गया और इनका जो एक नेटवर्क था वो तोड़ दिया गया। 370 और 35 से हटने के बाद वो नेटवर्क और ज्यादा बुरी तरह से टूटा, क्योंकि जब लोगों ने कुछ वहां पे चेंजेस देखे, बढ़ोतरी देखी, काम देखा, उधर का थोड़ा सा ग्रोथ देखी, तो उसको देख करके लोगों ने कहा कि इससे बेहतर है कि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपना रोजगार भी खोएं, टूरिज्म भी खोएं और हमारे बच्चे भी मारे जाएं और जो नेता है उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी भावना लोकल लोगों में आई और इन्होंने इनका साथ देना धीरे धीरे कम कर दिया। लेकिन पैसे के दम पे ISI हमेशा इस काम को करती आई। एक पॉइंट मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, देखिए हमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान के अंदर आज क्या चल रहा है, वहां की जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है टर्मोइल में है, पूरी तरह बिखरा पड़ा है। वहां पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो पूरी कठपुतली बनी हुई है आपके जनरल मुनीर की, जो कि चीफ है वहां के, और किसी भी प्रकार से वो नहीं चाहते कि अभी जल्द से इलेक्शन हो, क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। और लिहाजा इन सब से ध्यान बटाने के लिए अगर आप पीछे देखें न्यूज के अंदर भी, लगभग 2 हफ्ते पहले जो आसिफ मुनीर है जो कि वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने पूरे गिलगित और पूरे पीओके के बॉर्डर्स का दौरा किया। लिहाजा मेरा मानना यह है कि G20 के दौरान एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि किसी प्रकार से भारत को बदनाम करने के लिए ऐसी कोई एक्शन की जाए और इन मिलिटेंट्स को अंदर उस टाइम पे डाल भी दिया गया हो इन प्रकार। लेकिन उस समय इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि शायद ये कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए और लिहाजा अब जाकर के इन लोगों ने कुछ हरकत करने की कोशिश। मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट को आप कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं, जब से इसे लॉन्च किया गया तब से लेकर के अब तक? देखिए डेफिनेटली इससे काफी फर्क पड़ा हुआ है और पड़ा है, और मैं कहूंगा कि NSA अजीत डोभाल जी की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने इन क्षेत्रों के अंदर NSA बनने से पहले अपनी नौकरी के दौरान काफी लिंक बनाए हुए थे। ऑपरेशन जैकबूट के अंदर उन लिंक्स को साउथ कश्मीर में बहुत यूज किया गया, तब खुद भी डोभाल साहब वहां गए थे, और मैं समझता हूँ कि काफी कुछ जो है चेंज हुआ। लेकिन जो आज की हरकत हुई है उसमें मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगा, देखिए लोकल ऑपरेशन जब होते हैं तो मैं अगर कमांडिंग ऑफिसर हूं या मेरे साथ में एक मेजर साहब कंपनी कमांडर हैं, पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इन सब वीर सपूतों को जो शहीद हुए हैं, और मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इनके भगवान इनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन जब भी एक्शन में ये जो तस्वीर आज सामने आई, मनप्रीत सिंह का 7 साल का बेटा वो सैल्यूट कर रहा है, मतलब वो बस एक तस्वीर काफी है आपको झकझोर कर रख देने के लिए, वर्दी में है वो बच्चा।
देखिए आशा जी, जब ये लोग वहां पे गए होंगे अटैक करने के लिए, मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस टाइम पे हमारे मन में ना तो पत्नी होती है ना माता पिता होते, हमारे मन में सिर्फ देश होता है और एक वो जज्बा होता है, और हम लोग उस टाइम पे वही एक्शन करते हैं ग्राउंड के ऊपर जो हमारे जवानों की सुरक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक इसलिए आज पूरा देश रो रहा है, इसलिए पूरा देश एक से एक सैनिक को सड़क पर जाते देखता है तो सैल्यूट मारने को मन करता है। ये आज की भावना है एक एक हिंदुस्तानी के मन में।